टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। चलो भाई हो गया बैन, ऑफ कोर्स। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। So hey guys, Dev here and welcome back to my channel. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि TikTok and other 58 application को इंडिया से बैन कर दिया गया है। रीज़न आप लोग जानते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना जो अभी चल रहा है। साइड में आप लोग देख सकते हैं लिस्ट, जो सारा एप्लीकेशन इंडिया से बैन कर दिया गया है, जैसे कि बहुत सारा पॉपुलर एप्लीकेशन है यहाँ पर, एक्जेंडर, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउज़र, ये सारा जो है बैन कर दिया गया है। कल रात को जब मैं चेक कर रहा था प्ले स्टोर पर, तो सबसे पहले मैं देख रहा था कि यार टिकटॉक हटाए, तो हो सकता है कि टिकटॉक ज़्यादा पॉपुलर है इसीलिए पहले हटाए। तो यहाँ पर जो लोग टिकटॉकर हैं, जो लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग दुखी मत होइए, टिकटॉक वीडियोस मैं भी बनाता था। तो यार आप ही सोचो कि पहले कौन है, टिकटॉक या हमारा देश? ऑब्वियसली हमारा देश है। तो यहाँ पर आप लोग दुखी मत होइए, क्योंकि 2020 में और भी बहुत सारा एप्लीकेशन आने वाला है हमारे इंडिया की तरफ से टिकटॉक जैसा, और यूट्यूब की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आने वाला है जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यार आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा खुद का कुछ ओपिनियन देने वाला हूँ, और अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये दिखा रहा है कि पबजी भी बैन होगा। तो क्या पबजी बैन होगा? तो सारा सच्चाई मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है devjit.07, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यार भाई को फॉलो करो। सो गाइस अगर यहाँ पर मैं मेरा खुद का ओपिनियन दूँ, गाइस टिकटॉक एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन था, उसकी मदद से बहुत लोग फेमस हुए हैं बहुत जल्दी। पर गाइस आप ही सोचो, उसका जो ओनर था वो कौन था? चाइना। तो यार चाइना कुछ भी कर सकता है, वो हमारा डेटा लीक कर सकता है, हमारे फ़ोन का गैलरी मतलब हमारा फ़ोन का कैमरा कभी भी वो हैक कर सकता है। हमारे फ़ोन में बहुत सारा कुछ पर्सनल चीज़ें रहता है, हमारे बैंक डिटेल्स रहता है, तो वो सारा कुछ वो जो है देख सकता है, लीक कर सकता है। और चाइना का तो हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हुआ सही हुआ, हमारे देश के लिए हुआ, और पहले हमारा देश है, और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो होता ही है। तो एक ना एक दिन टिकटॉक को बैन होना ही था, बिकॉज पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि टिकटॉक में लाइक के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई बिल्ली को फांसी पे लटका दे रहा है, कोई तो मतलब कुत्ते के लेज पे बम फोड़ रहा है, मतलब यार कुछ भी हो रहा है। और टिकटॉक पे कुछ दिन पहले जो सारा कुछ वीडियोस चल रहा था, मतलब लोग क्या क्या कर रहे थे लाइक के लिए, जो सारा कुछ बच्चे के लिए कभी भी सही नहीं था, तो एक तरह से ठीक ही हुआ। और गाइस बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे टीआरपी के लिए ये बता रहा था कि पबजी भी बैन हो जाएगा, पर गाइस ये बिल्कुल नहीं है, पबजी कोरियन है तो पबजी बैन नहीं होगा। आप लोग खेलो पबजी, और पबजी तो मतलब पबजी में क्या है, 18 ईयर्स के नीचे जो बंदे हैं ना, उन लोगों का एक टाइमिंग रहता है कि 3 घंटे से ज़्यादा आप लोग नहीं खेल सकते, तो ये चीज़ पबजी में सही है। और टिकटॉक में तो कोई कुछ भी नहीं है यार, कि बच्चे के लिए कोई फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। और गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, टिकटॉक का मेरा जो प्रोफाइल है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा, 1.9M फैंस था तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा, प्रिंट आउट करूँगा और मेरे सेटअप पे लगा दूँगा। कभी कभार याद आएगा कि हाँ टिकटॉक बोल के भी कुछ था कभी। तो बस मुझे ये सारा कुछ लगता है। और गाइस यहाँ पर मैं और एक चीज़ चाहता हूँ कि धीरे धीरे चाइना का सारा कुछ इंडिया में बंद हो जाए। अगर चाइना चाहे तो हमारा डेटा ऐसे भी लीक कर सकता है, क्योंकि हमारा फ़ोन का जो OS है, कलर OS या फिर MIUI 11, MIUI 12, सारा तो चाइना का ही है ना। तो अगर वो चाहेगा तो हमारा डेटा लीक कर ही सकता है, ये ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सारा कुछ अभी फ़ोन से चाइना का, वो सारा धीरे धीरे बैन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया भी दिखाए सब लोगों को कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और यही चाहता हूँ बस कि चाइना का सब कुछ बंद हो जाए, क्योंकि यार चाइना गद्दार है बस। तो आप लोग क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और बाकी आज के इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग क्या करना है, भाई को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर लो, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और गाइस ये सब छोड़ के आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार, 100K होने वाला है यार, प्लीज़ फॉलो कर लो।
इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का आईडी है devjit.07। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, दुखी मत होना।